हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्यंजन में। जी दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा स्पेशल। इसके लिए मैंने 100 ग्राम सूजी ली है, 80 ग्राम जितना शुगर लिया है, 2-3 इलायची पाउडर लिया है, काजू 3-4 पीस लिया है, बादाम भी 3-4 पीस लिया है, जिसको लंबा काट दिया है। और हम शुरू करते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए। गरम पानी रख दिया फ्रेंड 2 गिलास जितना। तो अब अपना गैस स्टार्ट करते हैं। गैस स्टार्ट हो गया अपना, थोड़ा गरम होने तक वेट करते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें अपन 2 चम्मच देसी घी डालेंगे, गाय का चम्मच फुल भर के डालेंगे। देसी घी डाल दिया, थोड़ा घी गर्म होने तक वेट करेंगे। ये पिघल चुका है फ्रेंड्स, सूजी को हिलाते रहना है, नहीं तो ये क्या फ्रेंड बराबर मिनट नहीं होगा। धीरे धीरे डालना अपने को, ताकि ये पूरा घी सोख ले। मैंने पूरा डाल दिया 100 ग्राम जितना सूजी। इसको फ्रेंड हिलाते रहना जब तक ये इसका कलर नहीं चेंज हो जाए, जब तक। गैस को थोड़ा कम करना है, धीमी आंच पर पकाएंगे फ्रेंड्स, ताकि सूजी जल ना जाए। इसको बराबर हिलाते रहना चाहिए, थोड़ा और अपन पकाएंगे ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए सूजी का। धीमी आंच में पकाएंगे तो बराबर सूजी पूरा सिक जाएगा। पानी इसमें धीमे धीमे डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको बराबर हिलाते रहना चाहिए। मैंने इसमें 2 नहीं, 1 ही गिलास पानी डाला है, जिससे घी अलग नहीं हो जाए, जब तक अपन इसको हिलाते रहेंगे धीमी आंच में। जो 80 ग्राम शुगर दिया है वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। इलायची पाउडर 1 चुटकी भर डाल देंगे, को चारों तरफ फैला देंगे। एक काजू लिए थे टुकड़े करके, वो भी इसमें फैला देंगे। बादाम भी डाल देंगे। रेडी हो चुका फ्रेंड। कढ़ाई में देखो, भी देखो हलवा अपने का नहीं चिपका, मतलब अपना हलवा रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा बनवाइए घर पे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब अपना गैस अपन बंद कर देंगे, और आज आप इसको ऊपर सजाने के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको लगे आप सजा देना, और अपने घर पे फ्रेंड मेहमान तो आप बना के खिला सकते अच्छे से। सूजी का हलवा बन चुका फ्रेंड, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। गुड बाय।